नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Oppo A74 5G वर्सेस Tecno Camon 17 Pro का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो A74 5G में 6.41 इंच जबकि Camon 17 Pro में 6.65 इंच की लेंथ मिलती है। विड्थ की बात करें तो A74 5G में 2.94 इंच जबकि Camon 17 Pro में 3.03 इंच की विड्थ मिलती है। बात करें थिकनेस की तो A74 5G में 0.33 इंच जबकि Camon 17 Pro में 0.35 इंच की थिकनेस मिलती है जो कि A74 5G से ज्यादा है। अब बात करते हैं वेट की तो A74 5G में 188 ग्राम जबकि Camon 17 Pro में 210 ग्राम का वेट देखने को मिलता है जो कि A74 5G से ज्यादा है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही IPS LCD की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो A74 5G में 20:9 जबकि Camon 17 Pro में 20:5:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो A74 5G में 6.5 इंचेस जबकि Camon 17 Pro में 6.8 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन A74 5G में 1080x2400 और Camon 17 Pro में 1080x2460 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो A74 5G में 83.83% जबकि Camon 17 Pro में 84.72% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो A74 5G में 405 पिक्सल प्रति इंच जबकि Camon 17 Pro में 395 पिक्सल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो A74 5G में 3 कैमरा देखने को मिलता है जिसमें कि वाइड एंगल प्राइमरी कैमरा, मैक्रो कैमरा और आखिर में मोनो कैमरा देखने को मिलता है। और Camon 17 Pro की बात करें तो इसमें 4 कैमरा देखने को मिलता है जिसमें कि वाइड एंगल प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, डेप्थ कैमरा और आखिर में मोनो कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो दोनों फोन में 8 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो A74 5G में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है जिसमें कि 3 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं और Camon 17 Pro में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है जिसमें 4 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इंफॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो A74 5G में Adreno 619 जबकि Camon 17 Pro में Mali-G 76MP4 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो A74 5G में Qualcomm Snapdragon 480 और Camon 17 Pro में MediaTek Helio G95 मिलता है। बात करें RAM की तो A74 5G में 6GB जबकि Camon 17 Pro में 8GB RAM मिलती है। बात करें इंटरनल मेमोरी जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं वो A74 5G में 128GB जबकि Camon 17 Pro में 256GB स्टोरेज मिलती है। एक्सपैंडेबल मेमोरी दोनों फोन में अप टू 256GB है। ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों फोन में एंड्रॉइड V11 देखने को मिलती है। बैटरी की बात करें तो दोनों फोन में 5000mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो A74 5G में 2 कलर्स जबकि Camon 17 Pro में 1 कलर्स ऑप्शन मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो
A74 5G 6GB RAM 128GB स्टोरेज के साथ 17,990 रुपीस में मिल जाता है। और बात करें Canon 17 Pro की तो वो 8GB RAM 256GB स्टोरेज के साथ 21,990 रुपीस में मिलता है। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की। तो ओप्पो A74 5G में 3 फायदे और 3 नुकसान देखने को मिलता है। जबकि बात करें टेक्नो Canon 17 Pro की तो उसमें 7 फायदे और 0 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में दोनों फोन सेम ही है। मेन कैमरा में Canon 17 Pro आगे है। फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है। परफॉर्मेंस में दोनों फोन सेम ही है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Samsung Galaxy A52 है, दूसरा Xiaomi Poco M2 Pro है, तीसरा Xiaomi Redmi 9 Prime है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Xiaomi Poco X3 है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना।